गाइस, आज जो है एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये आप देख रहे होंगे, अपोलो कंपनी का नेबुलाइजर है। तो बैलून मुंह से फुलाते हैं तो काफ़ी टाइम भी लगता है और थोड़ा एफर्ट भी लगता है। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं कि नेबुलाइजर से क्या बैलून को फुलाया जा सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या नेबुलाइजर से बैलून हमारे फूल सकते हैं या नहीं। देखते हैं दोस्तों कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं, नेबुलाइजर से बैलून फूलते हैं या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। ये नेबुलाइजर है हमारा, तो ये गाइस नेबुलाइजर, और इसको प्लग लगा देते हैं बोर्ड में। प्लग लगाने के बाद इसमें एक पाइप दिया है, इस पाइप को कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, ये हमने लगा लिया है पाइप, अब इसको जो है यहाँ से फुला के देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आता है तो आपको बहुत ही जल्दी आसानी से पता चल सकेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मशीन को और देखते हैं ये बैलून हमारा फूलता है या नहीं। तो ये गाइस आप देख रहे हैं कि नेबुलाइजर से हम बैलून को फुला रहे हैं और अच्छे से फूल रहा है। ये देखिए गाइस, वाव, बहुत मस्त है। देखिए किस तरह से हमारा बैलून फूल रहा है। तो ये गाइस हमने बंद कर दिया, तो बैलून हमारा इतना बड़ा फूल चुका है, और फुलाएंगे तो ये फूट जाएगा। तो एक और ट्राई करेंगे, फुला के देखते हैं। तो ये बहुत ही मस्त आइडिया है, अगर आपके घर में नेबुलाइजर है, आपको बैलून फुलाना है तो आप फुला सकते हैं। चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये पाइप में हमने बैलून को यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद में हमें मशीन को ऑन करना है। ये देखिए भाई, नेबुलाइजर से किस तरह से फुला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। यहाँ पे पकड़ना है टाइट, क्योंकि यहाँ से हवा निकले नहीं, और बहुत ही आसानी से बैलून को फुला पा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।